अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अपने टेरेस के ऊपर चिकन दम बिरयानी, वो भी चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे की बिरयानी कितनी लाजवाब होती है वो सभी को पता है। आज हम चूल्हे में बिरयानी बनाएंगे, तो पहले हम सबसे पहले चूल्हे को आग से सिलगाएंगे। पहले लकड़ी डाल देते हैं हम चूल्हे के अंदर। अब चूल्हे को हम जलाएंगे। हमारा आग सिलक चुका है। अब चूल्हे के ऊपर हम रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो 1 किलो जैसा हमने प्याज कट करके रखे वो डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, प्याज को हम निकाल लेते हैं। तो पहले में डालेंगे 3 से 4 किलो चिकन। चिकन को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए है। 10 से 15 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 5 से 6 चम्मच डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार नमक, 6-7 तेज़पत्ते, 4 से 5 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा 3 से 4, 5 से 6 हरी इलायची, 3 से 4 स्टार फूल। जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके रखे थे उसे हम मसल के डाल देते हैं। तो हमने सभी प्याज डाल दिए, थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। खान कंपनी का हमने बिरयानी मसाला ले लिया, इसे डाल देते हैं। 3 से 4 चम्मच डालेंगे, आप कोई भी मसाला ले सकते हो। हमने 4-5 ले लिए हैं बिरयानी वाले मिर्च, और थोड़े से फ्रेश फुदीना और थोड़े से हमने धनिया ले लिए, तो इसे डाल देते हैं। हमने फुदीना का डंठल के साथ लिए और धनिया को भी हमने डंठल के साथ लिए है, इससे जायका अच्छा आता है। 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा लविंग, इसे भी हम डाल देते हैं। 4 से 5 टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिए है, इसे भी डाल देते हैं। 1 से 1.5 कप हम डालेंगे दही। 2 काली मिर्च जीरे का पाउडर 2 से 3 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे पिस्ता क्या हुआ तेल, जो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करे थे वही तेल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं फटाफट से, इसे हम चूल्हे के ऊपर रख देते हैं मसाला को पकाने के लिए। चूल्हे के ऊपर हमने चढ़ा दिया। अब इसे 10 से 15 मिनट तक हम चूल्हे के ऊपर चिकन को भूजेंगे। हमारे घर के पीछे इतना अच्छा सा गार्डन है, नारियल हर किसी का पेड़ पौधा लगाया हुआ है। हमारे सोसाइटी के पीछे ये लगा हुआ है, छोटे छोटे पपैया भी हो गए हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है चिकन को हमें भूजते हुए, तो अब चिकन को हम नीचे कर उतार लेते हैं। आधा चिकन पक चुका है, आधा बाकी है, तो आधा जो बचा है उसे दम जब हम करेंगे बिरयानी को तब वो पक जाएगा। तो फटाफट से हम चिकन को नीचे उतार लेते हैं। आज हम हमारे टेरेस के ऊपर चिकन दम बिरयानी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप आ चुका है, तो फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा और भी धूप हो जाएगा तो बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो फटाफट से हम नीचे उतार लेते हैं।
चूल्हे के ऊपर हमने तपेले में पानी डालकर रख दिए है। अब इसमें डाल देते हैं कुछ गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लविंग, धनिया, पुदीना सभी थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं। एक चम्मच जैसा शाही जीरा डाल देते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे चावल के अंदर। एक चम्मच तेल डालेंगे, चावल के अनुसार नमक। पानी में उकाल आ चुका है, अब चावल हम डाल देते हैं जो भिगो कर रखे थे। वो तो चावल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। हम देख लेते हैं हमारे चावल अच्छे से हुआ है या नहीं। अगर हो गया होगा तो इसे हम डायरेक्ट छानकर चावल के अंदर, मसाले के अंदर डाल देंगे। तो चावल हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम डायरेक्ट छानकर डाल देते हैं मसाले के अंदर। तो चावल डाल देते हैं, मसूर को हमने गर्म पानी में 2 से 3 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, तो हमारा मसूर अच्छे से भीग चुका है। तो इसे हम डाल दें, 2 चम्मच हमने चावल डाले हैं, इसके बाद हम मसूर डाल देते हैं। ये अखा मसूर है, मसूर हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम जो बाकी का चावल बचा है उसे हम डाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुका है तो आपको थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा। अब इसमें हम डाल देते हैं चावल। हमने सभी चावल डाल दिए हैं, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट कलर। तो हमने रेड कलर लिए हैं, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ब्रिस्ता किया हुआ प्याज, थोड़ा सा कोथमीर, अब इसके ऊपर हम एक कॉटन का या मलमल का कपड़ा गर्म पानी में डुबोकर ढक देते हैं। तो जो हमने जो चावल उबाले थे उसी पानी में हमने कॉटन का मलमल का कपड़ा भिगा दिया है, इसलिए कि ताकि चावल में जल्दी से दम लग जाए। तो तपेले के ऊपर हमने भारी सा सामान रख दिया है ताकि दम अच्छे से लगे, साइड साइड से जो बाफ निकलता है वो ना निकले। तो चलते हैं अब चूल्हे की तरफ, हम तपेले को रख देते हैं 25 से 20 मिनट के लिए दम लगने के लिए। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं हमारे बिरयानी को दम करते हुए, तो हम नीचे लेके जाते हैं टेरेस के ऊपर, खा तो नहीं सकते, इसके लिए हम बिरयानी को नीचे ले जाते हैं और नीचे जाकर हम सर्व करेंगे।